हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11. क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी. तो हमें एक एपी गिवन है और उसमें टोटल 22 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है. तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से यहाँ पे टोटल 22 टर्म्स होगी. उन सारी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है. तो सम फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. तो आपको दोनों फॉर्मूलाज को लर्न रखना है. तो अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो सबसे पहले द गिवन एपी इज 8 3 माइनस 2 एंड सो ऑन. तो आप इसमें से एन हमारी कौन सी नंबर की टर्म का तक का हमें सम फाइंड करना वो हो जाएगा. ए हमारा फर्स्ट टर्म, एन आपका 22 गिवन है और डी कॉमन डिफरेंस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं हेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म हमारी 8 है. फिर एन कितनी टर्म का सम हमें फाइंड करना है, 22 टर्म का. तो एन हमारी 22 हो गया. फिर डी, डी हमारा यहाँ कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन. तो इसको हम ए भी राइट कर सकते हैं, ए वन भी राइट कर सकते हैं. ए टू यहाँ पे कौन है हमारा 3, माइनस ए वन कौन है 8. तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गया तो 5 हो गया और 8 बड़ा है तो साइन यहाँ पे नेगेटिव का आएगा. जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा. अब आप वैल्यू पुट कर लो. तो ये सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो एस एन हमारा 22, तो एन इक्वल टू 22 रख दिया. फिर एन की जगह रखा 22 बाय 2, 2 इंटू ए 1, या ए हमारा कितना है 8 प्लस एन माइनस 1. तो 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 5. ओके अब आप यहां देखो 2 के टेबल से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम. तो ये 11 आ गया. 8 इंटू 2 हमारा यहां पे हो गया 16 प्लस 22 माइनस 1 इज 21 हो गया और ये माइनस 5. ओके फिर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं. 11 16 प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 5, तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10. तो 16 माइनस 105. तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया. तो प्लस माइनस माइनस, तो 105 में से 16 गया तो 89 आ गया और साइन यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा. तो 89 को 11 से मल्टीपल किया, प्लस माइनस पहले माइनस हो गया. 11 इंटू 9 99 का 9 कैरी 9. 11 इंटू 8 88, 88 प्लस 9 97 हो गया. तो ये हो गया 979 हो गया. तो इसका मतलब फर्स्ट 22 टर्म का सम कितना आएगा, माइनस 979. तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं. सो द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 979. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है और अप्लाई करना भी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू को कौन कहाँ पे पुट करना है वो इजीली आपको यहाँ पे. अब इसका डेरिवेशन देखोगे तब भी आपको इजीली और अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा. और वैल्यू आपको यहाँ पता होनी चाहिए, ए कौन है, एन कौन है, डी कौन है, फिर इसमें पुट करके और सिर्फ आपको सॉल्व करना है. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर. थैंक यू.